टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन उपनिषद्स। उपनिषद्स उपनिषद्स कंटेन डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज एंड यूजेस वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज स्टोरीज, हाइम्स एंड डायलॉग्स टू शेयर देयर फिलोसॉफिकल विजडम दैट कैन गाइड पीपल टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिजॉल्विंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। द कोर आइडिया इन द उपनिषद आर वी आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजिंग दिस इज सीन एज द की टू ओवरकमिंग द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सफरिंग्स वी एक्सपीरियंस इन आर लाइफ। लाइक इन उपनिषद्स कॉजेज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आर डुअलिटी एंड अटैचमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन विद द ईगो, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू नेचर एंड डिजायर्स एंड एवर्जेंस। द उपनिषद ऑफर सेवरल पावरफुल अप्रोचेस टू हेल्प अस रिजॉल्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। द फर्स्ट इज सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज द उपनिषद एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग आर ट्रू सेल्फ और आत्मा एज द छांदोग्य उपनिषद सेज तत्त्वमसि दैट आर यू। इट सजेस्ट दैट वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द अल्टीमेट रियलिटी दैट इज ब्रह्म। बाई डीपली एक्सप्लोरिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग आर एसेंशियल नेचर वी कैन ओवरकम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज्ड बाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट आर सेल्फ। दिस सेल्फ इंक्वायरी इन्वॉल्व्स लिसनिंग, रिफ्लेक्शन एंड डीप कंटेम्पलेशन। एंड द सेकेंड इज डिटैचमेंट, वैराग्य। वैराग्य इज दे द उपनिषद टीच दैट कल्टिवेटिंग डिटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट इज द की टू रिजॉल्विंग आर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। एज द ईशावास्य उपनिषद सेज तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इट मीन्स डू नॉट होल्ड ऑन टू द अटैचमेंट्स, लेटिंग गो ऑफ आर डिजायर्स, डिसलाइक्स एंड द अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स दैट कैन फ्री अस फ्रॉम द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। दे कॉज प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस एंड मिनिमलिज्म कैन हेल्प द डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट। एंड द थर्ड इज मेडिटेशन एंड कंसेंट्रेशन, ध्यान। दे एम्फसाइजेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मेडिटेशन एंड फोकस्ड अटेंशन सच एज कठोपनिषद यूजेस मेटाफर्स टू इलस्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ मास्टरिंग द सेंसेस एंड डायरेक्टिंग द माइंड इनवर्ड्स। इट कंपेयर्स द बॉडी टू अ कैरियोट, माइंड इनवर्ड्स। इट कंपेयर्स द बॉडी टू अ कैरियोट, द सेंसेस टू द हॉर्सेस एंड द इंटेलेक्ट टू द कैरियोट, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर कंट्रोल एंड फोकस इन अचीविंग हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओवरऑल द उपनिषद कन्वे द मेडिटेशन इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर एवरीवन सीकिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रैक्टिसेस फॉर एवरीवन लाइक इनर हार्मनी एंड लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्डली इल्यूजन। एंड द फोर्थ इज नॉन डुअलिज्म, अद्वैत। उपनिषद हाइलाइट्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ सेल्फ नॉलेज इज द रिकॉग्निशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद द यूनिवर्सल रियलिटी। एज बृहदारण्यकोपनिषद सेज अहम ब्रह्मास्मि लाइक आई एम ब्रह्म। दिस इंडिकेट्स दैट वेन द इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रास्प द नॉन डुअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट सेल्फ एंड मर्ज विद द सुप्रीम रियलिटी। By incorporating these Upanishadic approaches into our modern lives, we can develop more effective strategies for dealing with mental conflicts and achieving greater inner harmony. Through the self-exploration, cultivating detachment, engaging in meditation, and recognizing the unity of consciousness, we can unlock the timeless wisdom of the Upanishads to enhance our psychological well-being and personal growth. Thank you.